नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 23 रुपए का स्टॉक हो चुका है और स्टॉक में लगातार गिरावट है। क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे कि स्टॉक में लगातार गिरावट है। कल गैप डाउन ओपनिंग हुई या सुबह से भी अगर आप देखें तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है। तो क्या कारण है पीछे गिरावट के और क्या यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर, उन रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरी कोई यहाँ पर टारगेट नहीं है, बट उस रिपोर्ट में जो टारगेट्स लिखे हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर बेट कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। ग्रोथ क्या है, फैक्टर क्या है उनके इस बाइंग के पीछे, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। और क्वार्टर टू को जो विशेष ध्यान रखा गया है उन लोगों ने, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगातार स्टॉक में गिरावट है। एक अच्छा मार्केट कैप बनाया था स्टॉक ने, बट वहां से आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक ने अपना जो एक मोमेंटम है वो खोया है और 11,445 करोड़ का मार्केट कैप के साथ इंडस्ट्री में हाई है। हालांकि ये टेक्सटाइल सेक्टर का मार्केट है हमारा, और टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक में इस समय पर रैली बराबर चल रही है। वेल्सपन हो, ट्राइडेंट हो, उनमें एक अच्छी रैली दिखाई दी थी, बट आलोक इंडस्ट्रीज वहीं पर दबाव में दिखाई दिया था इवन आफ्टर द पीएलआई स्कीम। तो कुछ खबरों की बात करें उससे पहले क्वार्टर टू पर लेकर के चलता हूं मैं आपको कि क्वार्टर टू हमारा क्या कह रहा है। देखिए जून क्वार्टर में अगर आप बात करें तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 1270 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, उससे पहले 1480 करोड़ के आसपास का था। ग्रोथ हो रही है लगातार यहाँ पे। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जून क्वार्टर में थोड़ी गिरावट थी, बट उससे पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ देखने को मिलती है। और इस बार भी अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर से ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आई जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुरा लगा यहाँ पे, जिसकी वजह से माल में डंपिंग स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम तब आई जब कंपनी ने इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी लॉस दिखाया 84 करोड़ का, ठीक है। अब लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार कंपनी जो कि बहुत ज्यादा लॉस में थी, इसी वजह से आलोक इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स ने इसको रिलायंस को बेचा था, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट हो चुका था कंपनी के ऊपर, बहुत बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट करना था, और अभी भी वो चीजें हैं यहाँ पर। यही बड़ा कारण है कि कंपनी को बहुत कम मार्केट कैप के साथ रखा गया है, बहुत छोटी कंपनी माना गया है। अगर यहाँ पर डेट नहीं होता, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती, तो ये कंपनी आज बहुत बड़ा मार्केट कैप लिए बैठी होती, बहुत स्ट्रांगली रन कर रही होती, बहुत ऊपर ट्रेड कर रही होती। 100 रुपए 150 रुपए इसका प्रॉफिट प्राइस होता, स्टॉक प्राइस होता यहाँ पे। बट क्योंकि कंपनी में काफी डेट लेडन कंपनी है, इंटरेस्ट पेमेंट काफी हाई हो जाता है, यही बड़ा कारण है कि आलोक इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है आपका वो आपको 22 रुपए 23 रुपए पर अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर हुई वो तो मैंने आपको दिखाया, बट लोगों ने ये नहीं देखा कि अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं, सितंबर 84 करोड़ का लॉस है, पिछले सितंबर में प्रॉफिट ठीक ठाक था, उससे पहले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 9,936 करोड़ का लॉस था। लगातार कंपनी ने लॉस कर रही थी, और लॉस में अगर आप देखें तो ग्रोथ में है कम से कम। मार्च क्वार्टर में 500 करोड़ का लॉस था, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 84 करोड़ का लॉस है, यानी कि ग्रोथ में दिखाई देती है कंपनी। तो लगातार ग्रोथ वाली कंपनी है आपके हाथ में, डेट लेडन है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आपको। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में भी अगर इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की ग्रोथ जारी रहती है, सारा डेट उतरेगा कंपनी का। और ये कंपनी आपको जो 22 रुपए की मिल रही है वो अगले दो साल में आप देखेंगे 220 रुपए पर भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। यही बड़ा कारण है कि शायद जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो यहाँ पर बेट कर रहे हैं, और यही नहीं FII FPI भी आलोक इंडस्ट्रीज पर बेट कर रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है आलोक इंडस्ट्रीज में, साफ तौर पर, क्योंकि उनके पास एक बड़ा एनालिस्ट ग्रुप होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, उनके पास पैसा है और वो रिस्क लेना जानते हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पर रिस्क लेना है, कहाँ पर पैसा बनेगा। आलोक इंडस्ट्रीज इस समय जिस स्पेस में है, यहां से निकलने के बाद स्टॉक आपको इस रेंज में कभी भी अवेलेबल नहीं मिलने वाला है। यही बड़ा कारण है कि मैंने हमेशा आपको आलोक इंडस्ट्रीज में लगभग बाय रेटिंग ही दी है। इस समय पर जब बाजार गिरावट में है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी आलोक इंडस्ट्रीज में एवरी डिप के साथ बाइंग की जा सकती है। खबर पर चलते हैं कि खबर क्या है, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपकी रिपोर्ट, आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइव मिंट पर, आप ये जाकर के पर्स भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाई है, खुद लिखा है, आप ऊपर देख भी सकते हैं कि लाइव मिंट पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, तो वहां जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ओवरऑल ओपिनियन दैट आलोक इंडस्ट्रीज हैज बीन एबल टू ऑलमोस्ट डबल इट्स रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ डबल हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड इट हैज नाउ बिकम अ रिलायंस ग्रुप कंपनी। ये अब रिलायंस ग्रुप कंपनी बन गई। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस PLI स्कीम ऑफ फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल। दे वेंट ऑन टू ऐड दैट वन शुड बाय आलोक इंडस्ट्रीज शेयर्स एट करंट डिप्स एज इट मे गो अप टू 36 लेवल्स इन नेक्स्ट 3 टू 6 मंथ्स।
अगले 3 से 6 महीनों में आलोक इंडस्ट्रीज जो 22 रुपए का मिल रहा है वो 36 रुपए तक के लेवल को अटेन करने वाला है। यही बड़ा कारण है यहाँ पर लगातार बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी यहाँ पर इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। बात करें नेक्स्ट ब्रोकरेज हाउस की, स्पीकिंग ऑन द ट्रिगर्स दैट मे फ्यूल आलोक इंडस्ट्रीज शेयर्स इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म, रवि सिंगल वाइस चेयरमैन एट GCL सिक्योरिटी सेड आलोक इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट डबलिंग इट्स रेवेन्यू ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। ये बातें वही सेम उन्होंने भी बोली है, बट इनका जो टारगेट है वो थोड़ा हाई था, आप जाकर के वहां पर पढ़ सकते हैं। सो वन शुड लुक एट बाइंग एट दिस डिप रादर गेटिंग पैनिक फ्रॉम दिस क्रैश इन द टेक्सटाइल काउंटर। यहाँ पर हर डिप के साथ आपको खरीदारी करनी है, ना कि पैनिक में आकर के बेचना है। टेक्सटाइल सेक्टर में कोई क्रैश नहीं आ रहा, ना ही मार्केट में इस समय पर क्रैश है। क्रैश सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डराना स्टार्ट कर दिया है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। क्रैश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, डराना उनका जायज भी है, बट इस समय पर नहीं होने वाला। अभी मार्केट टाइम लेगा यार, अभी तो मार्केट में उतना लेवल ही नहीं आया है कि क्रैश हो तो लोगों के घर बर्बाद हो जाए, मतलब जो हर बार होता है बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है। अभी तो मार्केट का जो लेवल है वो अब्सॉर्ब लेवल है, इतना हम बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी बड़ी जनसंख्या ने मार्केट में घुसा है इस समय पे, पिछले 18 महीनों में जितने नए अकाउंट्स खुले हैं, डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, उनसे साफ तौर पर मार्केट का ये जो लेवल है वो जायज है बहुत ज्यादा, और यहाँ से कोई गिरावट की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। ये लेवल बहुत जायज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, ये तो खबर रही और टारगेट रहे आपके सामने, डिलीवरी की भी बात कर लेते हैं साथ में। तो डिलीवरी आप देखिए कि 50%, उससे पहले 40%, उससे पहले 44%, 22%, 36%, उससे पहले 42%, तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास की डिलीवरी है। आलोक इंडस्ट्री में चार्ट पैटर्न की बात करें, देखिए चार्ट आपके खराब जरूर है इस समय पे, बट एक सपोर्ट है आपका अराउंड दिस पॉइंट, 22.55 रुपए का अच्छा सपोर्ट है आपके सामने। इससे नीचे स्टॉक जाने की उम्मीद नहीं है। पहला रेजिस्टेंस स्टॉक होगा 25.80 रुपए पे फेस करेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 27.75 रुपए पे फेस करेगा। स्टॉक में अगर आप बात करें ट्रेंड की, तो देखिए मैकडी आपका बेयरिश मोमेंटम में आ चुका है और इंस्टाग्राम आपके डाउनवर्ड है, साफ तौर पर बेयरिश मोमेंटम है, पैनिक सेलिंग यहां पर आ रही है। आरएसआई की बात करें 41 का आ चुका है, यानी कि मार्केट में इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। 55 पैसे के आसपास, 45 पैसे के आसपास गिरावट और ज्यादा यहाँ पर हो सकती है, वहां से बाउंस बैक आपका स्टॉक दिखाएगा, ठीक है। तो खरीदारी करके चलो, कोई दो राय नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना है, बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ ही खरीदारी करनी है। अब बात करें बाजार की, क्योंकि बाजार इन्फ्लुएंस गिरावट है यहाँ पर ज्यादातर, क्वार्टर टू में जो बैड रिजल्ट आए या बैड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई लोगों के द्वारा, इस वजह से गिरावट हुई वो अलग बात है, बट मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे और भी स्टॉक्स है जहां पर बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या कारण है, बाजार में कब तक तेजी आएगी? देखिए बाजार में गिरावट होना तय था, बाजार में गिरावट ये DII और FII इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि लगातार मैंने पिछले हफ्ते में भी आपको डेटा दिखाया था और आज का भी अगर आप डेटा देखें इस हफ्ते का भी, तो लगातार DII और FII जो रहे हैं वो सेलिंग साइड ही रहे हैं। DII ने कल भी 2500 करोड़ का माल डंप किया, FII ने 500 करोड़ का माल डंप किया। अगर ये डंपिंग ना हो तो बाजार ऊपर ऊपर भागता रहेगा, प्रॉब्लम तब है। अगर ये गिरावट हो रही है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, जैसा मैंने बोला कि और आपको हिस्टोरिकली पता भी है कि जब भी मार्केट में क्रैश आया है, बहुत बड़ा बैंकरप्सी आई है, कंपनीज बड़ी बड़ी बैंकरप्ट हुई है, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, और ऐसा नहीं चाहते हैं इस बार लोग। यही बड़ा कारण है कि मार्केट का जो लेवल है उसको अब्सॉर्ब करवाया जा रहा है। अगर एक हफ्ता दो हफ्ता मार्केट रेंज में भी रहता है, 17,800 का एक अच्छा सपोर्ट है और इस रेंज में भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17,800, 17,750 के आसपास का लेवल अटेन करता है, वहां कुछ दिन ट्रेड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ वी डिजर्व दिस लेवल और यहाँ से गिरावट नहीं होगी। यही बड़ा स्ट्रेटजी है FII और DII की। तो गिरावट हो रही है प्रॉब्लम नहीं है, बाय कीजिए आप आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक। टेक्सटाइल सेक्टर में रैली है, बूम है, उसका फायदा उठाइए, PLI स्कीम का फायदा उठाइए, रिलायंस ग्रुप का भरोसे का फायदा उठाना है यहाँ पर आपको। खरीदारी करके चलो, 36 का लेवल का टारगेट है यहाँ पे, बाकी लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।